एक आम का वेट है 1300 ग्राम के भी ऊपर। और ये है हमारा लड्डू गोपाल आम का आम, और ये सारे आम है ना 1 केजी के ऊपर ही रहते हैं। और ये है हमारी लास्ट हार्वेस्टिंग इस साल की लड्डू गोपाल आम की। हेलो फ्रेंड्स, जी नमस्कार, वेलकम टू सुप्रियाज किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो लड्डू गोपाल आम का प्लांट है ना, उसके जो आम है बचे हुए, वो सारे के सारे हम हार्वेस्ट कर लेने वाले हैं। तो बस एक आम हम रखेंगे प्लांट पर, क्योंकि एक साथ में सारे आम हार्वेस्ट करने का मन नहीं करता है, तो वो आम हम बाद में हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम इतने सारे आम हार्वेस्ट करते हैं, आप भी एंजॉय कीजिएगा इस हार्वेस्टिंग को। बहुत ही बढ़िया सी इंटरेस्टिंग हार्वेस्टिंग होने वाली है आज की, तो चलिए हार्वेस्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारे लड्डू गोपाल आम है, उसे आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। और क्योंकि अभी ये और भी कुछ दिनों तक ये रह सकता है, लेकिन है ना, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, और बारिश के कारण ये आम ख़राब भी होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम इन सबको हार्वेस्ट करेंगे। तो अभी हम हमारे ये जो आम है, ये अगले साल ही दिखेंगे पूरे आम। ये देखिए, ऊपर भी है, ये सारे आम हमें अभी अगले साल ही दिखने वाले हैं। तो अभी हम इन सब आम को बाय बाय करेंगे। बाय बाय करने का वक्त आ चुका है आम को। तो चलिए अभी मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ।
हमने हमारे लड्डू गोपाल आम के इतने आम हार्वेस्ट किए, 6 आम हार्वेस्ट किए हैं, और एक आम हमने प्लांट पर ही रहने दिया है क्योंकि एक साथ में इतने सारे पूरे के पूरे आम हार्वेस्ट करने का मन नहीं किया, तो एक आम तो हमने प्लांट पर रहने दिया है और ये 6 आम हमने हार्वेस्ट किए। ये देखिए काफ़ी बड़ा, बहुत ही 1 केजी के ऊपर का ही ये आम है। तो हम देखिए ये बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े आम हैं। एक आम में तो बहुत पूरी फैमिली का ही रस हो जाता है, जूस हो जाता है इसका। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।